हम मरेंगे सर। देखिए जबरदस्ती कर रहे हैं, देखिए देखिए देखिए। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सफल स्टडी आई को में आपका स्वागत है। दोस्तों, पंचायत सचिव के अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन में लगे हुए हैं और चौथा पांचवा दिन अभी होने जा रहा है और ये दोस्तों 12 अक्टूबर से धरना प्रदर्शन में लगे हुए हैं। कुछ स्टूडेंट जो अमरन अनशन पे बैठे हुए थे यानी बिना खाए पिए, तो इसी के तहत दोस्तों 15 अक्टूबर के रात 9 बजे के करीब पुलिस आई और जो उन्हें जो जबरन जो अस्पताल ले जाना चाहा गुलाम हुसैन को, जिसे मैंने पहले बता दिया था कि उसकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, वो जो है बेहोश हो गया था राष्ट्रगान के बाद। इसके बाद दोस्तों पुलिस आई, जैसे ही भीड़ धीरे धीरे खाली होने लगी रात को करीब 9 बजे के आसपास जो है पुलिस जबरन उसे उठाकर ले जाना चाहिए, जब तक कि वो चाह रहे थे कि हम किसी प्राइवेट डॉक्टर का दिखाएंगे, हम अस्पताल नहीं जाएंगे। इसके बाद दोस्तों उसे पुलिस उठा के सिर्फ गुलाम हुसैन को ले गई थी, उसके साथ और कुछ दोस्त चले गए उनको देखरेख के लिए, क्योंकि भरोसा किन्हीं को नहीं है जो है ये जो है पुलिस पर। इस कारण दोस्तों हालांकि ये नहीं कि पुलिस गुलाम हुसैन को ले गई है तो धरना प्रदर्शन खत्म हुआ है, धरना प्रदर्शन में अभी भी स्टूडेंट्स लगे हुए हैं और ज़्यादा से ज़्यादा और ज़्यादा स्टूडेंट्स आ रहे हैं इस धरना प्रदर्शन में, क्योंकि दोस्तों आप देख सकते हैं जी स्टूडेंट्स का जज्बा खत्म नहीं हुई है और ज़्यादा स्टूडेंट्स जो है अब तीव्र गति से शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन में लगे हुए हैं। और आप लोग एक बात बता दूँ, धरना प्रदर्शन आखिरी मोड़ पर आ गई है क्योंकि सरकार पर भारी दबाव है, सरकार झुकने वाली है, जस्ट हाई लेवल मीटिंग होने वाली है सरकार और कार्मिक विभाग और जेएसएससी के बीच। दोस्तों ये आपके धरना प्रदर्शन का ही परिणाम है जिसके कारण सरकार को झुकना पड़ रहा है और ये अच्छा समय है कि अभी उपचुनाव का समय है जिस कारण सरकार सुन भी नहीं रही है, वरना जो है सरकार के पास आँख का नाक तो है लेकिन शायद दिमाग नहीं है कि एक जो है मेरिट लिस्ट जारी नहीं कर रही है सरकार और इस कारण इतने जो प्रताड़ित किया जा रहा है आप जैसे स्टूडेंट्स को। तो दोस्तों आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स आइए, ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके और धरना प्रदर्शन को कंटिन्यू रखिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट थक चुके हैं इस धरना प्रदर्शन में, क्योंकि बीते 3-4 दिन से लगातार वे डटे हुए हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा और ज़्यादा स्टूडेंट्स आइए, जो स्टूडेंट्स नहीं भी आइए आप घर से निकल जाइए और जो है आप धरना प्रदर्शन में शामिल हो जाइए, क्योंकि आपके दोस्त लोग जो धरना प्रदर्शन में डटे हुए हैं वो थक चुके हैं पिछले 12 अक्टूबर से धरना प्रदर्शन करते हुए। अब नए नए स्टूडेंट्स आना चाहिए ताकि धरना प्रदर्शन लगातार बनी रहे। अगर भीड़ कम होगी दोस्तों तो सर समझ सकते हैं सरकार और पुलिस द्वारा कुचल दिया जाएगा, अगर भीड़ रही तो सरकार को झुकना पड़ेगा। तो आप लोग से एक विनम्र आवेदन है, आप ज़्यादा से ज़्यादा आए धरना प्रदर्शन में और इस धरना प्रदर्शन को और ज़्यादा सफल बनाएं। धन्यवाद दोस्तों, जोहार झारखंड, जय हिंद। कुछ आप लोगों के लिए तस्वीरें जो इस धरना प्रदर्शन की है, आप देख सकते हैं कुछ वीडियो फुटेज जो वहाँ से निकल गई है 15 अक्टूबर की रात की है, किस प्रकार से गुलाम हुसैन को जबरन जो पुलिस ले गई उसका वीडियो देख सकते हैं और कुछ फुटेज देख सकते हैं किस प्रकार से अलग अलग तौर तरीके अपना रहे हैं 50 सचिव के अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन में। हम खुद करना देंगे सर, हम कल से अनशन पे आ रहे हैं, हम मरेंगे सर। देखिए जबरदस्ती कर रहे हैं, देखिए 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 जबरदस्ती कर रहे हैं, देखिए 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 किस तरह से ले जाया जा रहा है, देखिए